आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र के सालानपुर ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को जीतपुर उत्तरपुर ग्राम पंचायत की बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ता अन्य दलों को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दिन सालानपुर ब्लॉक तृणमूल ने जीतपुर उत्तरपुर ग्राम पंचायत के साथ एक कर्मचारी बैठक का आयोजन किया, जिसमें बाराबंकी के विधायक विधान उपाध्याय की उपस्थिति में जीतपुर पंचायत के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक का आयोजन किया गया था, जहां विधायक ने पहले वीर शहीदों को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और फिर सभा की। इसकी शुरुआत कार्यकर्ताओं ने उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए एक विस्तृत चर्चा के साथ की। इसके अलावा विधायक ने कहा कि अगर पार्टी में कोई विरोध होता है तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, सभी को एक साथ काम करना चाहिए। किए गए कार्यों से प्रभावित होकर सीपीएम और भाजपा के लोग तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तृणमूल सभी को साथ लेकर चलना पसंद करती है, धर्म की राजनीति करती है और बीजेपी का मजाक उड़ाती है। कहती है कि इस पार्टी को केवल धर्म की राजनीति से वोट मिलते हैं, लेकिन क्षेत्र के लोग जानते हैं कि क्षेत्र में कौन काम करता है, क्योंकि हमारी नेता ममता बनर्जी क्षेत्र के हर विकास में शामिल है, किसी और के लिए नहीं सोचते। वह न केवल तृणमूल कांग्रेस के लोगों के लिए बल्कि सीपीएम और भाजपा के लोगों के लिए भी कर रहे हैं, इसलिए हम एक परिवार की तरह रखेंगे। आसनसोल से उज्जवल दास गुप्ता की रिपोर्ट। ज्वाइन कर माने क्यों ज्वाइन कर लोन दल পাড়ার অনেক ছেলে সবাই এখনো কোনো কেউ কোনো রাজনৈতিক দলে ছিল না, সবাই যাদের এদিক ওদিক সবাই না হয় সবাই ভালো ছেলে, সবাইকে যার জন্য একসঙ্গে নিয়ে আমরা এই পার্টিকে সবাইকে জয়েন করালাম। তাপসদা বিধানদা কি বুঝাই দলে জয়েন করে, দলকে ভালো লাগে, মমতা দিদিকে ভালো লাগে, বিধানদাকে ভালো লাগে। এই দলে কি কিছু মানে এসে দলে এসে কি করতে চাইছ? দলে এসে দলের জন্য সবাই কাজ করব, মানুষের ভালো করব, এই আশা নিয়ে আমরা সবাই দলে এলাম। কি নাম? আমার নাম সুব্রত সরকার। কতজন জয়েন করলে? 30 জন, টোটাল 30 জন।